धनवान भवति ओम हरि श्री भगवती गंगा देव्यै नमः चरण कमलयोर् वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि भागीरथ्यै च विद्महे विष्णुपदे च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ शांति 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 तुझसे जीवन पर गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता रहा युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पर गंगा झर बहता जाए युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए गंगा तेरा पानी अमृत कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे युगो युगो की कथा झर बहता जाए युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन आ, 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 आ,
सुख दुख तूने अपने बीच समाया, इस धरती का सुख दुख तूने अपने बीच समाया, इस धरती का सुख दुख तूने अपने बीच समाया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया, जब जब हम आजाद हुए तेरे तट मुस्का, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जा, युग युग से तुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवनुकृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्जातं नमामि। बोलो हनुमान जी महाराज की। पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के पावन तट पर परमार्थ निकेतन के इस परम पवित्र गंगा जी के पावन तट पर आप सब लोग आज हमारी संन्यास परंपरा के शीर्ष संतों के पावन सानिध्य में बैठे हैं। आप भाग्यशाली हैं। 5 दिन से हनुमंत महोत्सव चल रहा है और जैसे हमारे पूज्य मुनि जी ने कहा कि आज देश को एक और महावीर की आवश्यकता है, और महावीर जी का एक नाम बजरंग बली भी है। जब समाज में खलबली मचती है तो तभी बजरंग बली आता है। बोलो बजरंग बली की। तो आज इस परम पवित्र गंगा जी के पावन तट पर हमारी संन्यास परंपरा के सभी पूज्य संत यहाँ विराजमान हैं, और ये मुनि जी का प्रेम है। प्रेम की प्रेम से फूलती हुई डाली देखी, और चिदानंद मुनि के प्रेम की बात तो निराली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। हनुमान जी को भगवान श्री राम जी अपनी सेवा में रखते थे। जब अंगद जी जाने लगे तो अंगद जी ने कहा, हनुमान जी आपके बड़े भाग्य हैं जो श्री राम जी ने आपको अपनी सेवा में रखा है। बड़े आपके सौभाग्य हैं। एक बार श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो, आपकी दृष्टि मेरे प्रति क्या है? हनुमान जी ने कहा, देह दृष्टिया तु दासो हम, जीव दृष्टिया त्व दंशक है, वस्तुत्वस्तु स्वत्वमेवा हम इति मे निश्चिता मति ही। हे मेरे श्री राम, परब्रह्म परमात्मा हैं आप इस धरणी के ऊपर पापों का नाश करने के लिए आप अवतीर्ण हुए हैं। आपके चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम। मैं आपको इस दृष्टि से देखता हूँ, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका चरण संचरीक हूँ, चरण रज सेवक हूँ, और जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, और वस्तुतः पूछें तो मैं आप में और अपने में कोई जरा भी अंतर नहीं देखता, एक ही स्वरूप हूँ, हाँ दूसरा कुछ भी नहीं है, ये मेरी निश्चित मति है। इस प्रकार हनुमान जी भगवान राम जी के
सेवकों में अग्रगण्य भगवत स्वरूप और भगवान की सेवा की सभी कलाओं से संपन्न थे हनुमान जी। उनके विषय में बहुत अधिक क्या कहा जाए, हमारे बड़े पूजनीय संत महामंडलेश्वर विराजमान हैं, समय भी थोड़ा बहुत है, समय भी थोड़ा है, इसलिए इतना ही कहते हुए सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए उपलब्धि ग्रहण करते हैं। ओम शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री हनुमान महाराज की, बोलिए बजरंग बली की। यहाँ पर सभी महापुरुष मंडलेश्वर महान संत सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि पधारे हुए हैं, मैं उनको नमन करते हुए सभी महापुरुषों को नमन करते हुए बंधुओं मातृशक्ति महामंडलेश्वर स्वामी चिदानंद मुनि जी भारत में नहीं विश्व में पूरे में हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार और यहाँ तक के यूएनओ में भी हो करके आए हैं। मैं महाराज श्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो भारत के लिए जो है बाहर विदेश में भी जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। महाराज श्री असंगानंद जी से बहुत दिनों से परिचित हूँ मैं। महाराज श्री यहाँ पर रह करके विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई करनी, और दूसरी बात यह है कि हनुमान जी और राम का प्रेम भाव कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। और इस उपलक्ष्य में हनुमान जयंती के अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देता हूँ और सुखी संपन्न रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मंचासीन मंडलेश्वरगण, सभी सम्मानीय अखाड़ों से पधारे हुए श्रद्धे सचिव महंतगण, उपस्थित इस भव्य प्रांगण में बैठे हुए भगतगण, मातृशक्ति, इस कार्यक्रम के परमार्थ समिति के आर्थिक सामाजिक मानसिक जिस तरह का सहयोग दिया है सभी सदस्यगण, इस प्रकार का आयोजन निसंदेह देखने को कमी मिलता है। और जहाँ तक आपकी कथा की बात है, रमेश भाई ओझा जी 5 दिन तक आपको हनुमंत कथा सुनाते हैं, उसके बारे में कितनी चर्चा हुई होगी, जिन्होंने सुना है वो इस बात को समझते हैं कि इसके बाद में किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। दूसरी बात, हमारे हरि चेतना जी महामंडलेश्वर जी दूसरों को 2 मिनट देते हैं और हर 2 मिनट के बाद में 4 मिनट खुद खा जाते हैं, क्योंकि मैं भोजन बनाता हूं और हलवाई का काम होता है। अगर कुछ, वैसे तो उम्मीद नहीं है कि भाई ओझा जी की तरफ से कुछ रह गया हो, लेकिन अगर कुछ बचा खुचा रह भी गया हो तो इन्होंने पूर्ति कर दी। खैर, हमारे सबसे पहले, क्योंकि मैं पहले इस धार्मिक मंच पे, बहुत विशाल मंच पे भक्तों के सामने हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बलवंत सिंह जी महाराज भी उपस्थित हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, हरि चेतना जी महाराज ने सभी का परिचय दे दिया, तो इसलिए मैं एक एक का नाम लूँ, मुझे क्षमा करेंगे। मैं दो ही बात कहूँगा
कि हमारे जो 36 करोड़ देवता 33 करोड़ देव देवता जैसा हम सुनते आए हैं, उनमें से सभी देवताओं का अपना अपना एक असर है, एक आशीर्वाद है, एक वरदान है। और जहाँ तक हनुमान जी की बात है, वो बल बुद्धि और विद्या तीनों चीज़ के देने वाले देवता कहा जाता है। आपने जो हरिद्वार में तो घर इतना नहीं है, ऋषिकेश में भी नहीं है, लेकिन आप हरियाणा में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, दूसरे मध्य प्रदेश में जाएंगे, तो आपको जितने जो, क्योंकि हमारे यहाँ कुश्ती की परंपरा संतो हिंदुस्तान में सबसे पहले यहाँ रही होगी, बाद में देश विदेश में गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो वह उन अखाड़ों में किसी देवी देवता की मूर्ति पूजा पाठ नहीं होता, हनुमान जी की प्रतिमा जरूर होती है। सिंदूर लगा होता है, लंगोट बंधा होता है, हाथ में उनके सोटा मुगदार गदा, आप कुछ भी कहिए, तो ये एक शक्ति का प्रतीक है। और पहलवान को शक्ति चाहिए, हरि देव देवता का एक अपना एक वो है कि भाई कोई विद्या देता है, कोई बल देता है, कोई बुद्धि देता है, कोई धन देता है, कोई मानसिक शक्ति देता है, लेकिन हनुमान जी बल बुद्धि और विद्या तीनों चीज। क्यों, अगर पहलवान को बल दे दिया और विद्या बुद्धि नहीं है तो हो गया नाश। इसलिए हनुमान जी तीनों शक्तियों के प्रदाता हैं। क्यों, अब एक बात है कि एक ही देवता तीनों चीज की, जो तीनों वरदान तीनों शक्तियां जो देनहार हैं उनके पास इतनी क्षमता है कि हम तीनों शक्तियां वो दे सकते हैं, ये सिर्फ राम जी की कृपा है। ये हुआ क्यों हुआ कि भी राम जी की कृपा है, जापे कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। और ये सब जानते हैं कि हनुमान जी राम भक्त हुए हैं, और कोई उनके साथ नहीं, राम भक्त और राम के अनन्य भगत। अगर हनुमान अभी हरिचेतना जी महाराज ने कहा कि लंका में जाना, वो भी अकेले समुद्र लांग के, सामान्य बात तो नहीं है। कोई भी जो अनन्य भगत और डिवोटेड होगा वही इतना बड़ा यह है कि अपने ऊपर कहते हैं कि सामान्य रूप में पंगा लेगा नहीं, तो साधारण आदमी बोले क्या जरूरत है पंगा लेने की भाई, इधर उधर देख के कह दो जी राम जी नहीं मिली। लेकिन नहीं, वो अनन्य भगत है, वही एक डिवोशन है, और उस डिवोशन के प्रताप से हनुमान जी को वो शक्ति प्राप्त थी कि हम अगर उनकी साधना करते हैं, उनको मानते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो तीन चीज हमें भी मिल सकती है। समय की तो आपको पता ही है कि 2 मिनट वाली बात है, एक बात जरूर हमारे महामंडलेश्वर जी ने कही है कि चिदानंद मुनि जी जो कहा कि भाई मैं परमात्मा से मिला, खुदा से मिला, और उन्होंने कहा कि वो कैसा है, तो उन्होंने कहा वो मेरे जैसा है। हम परम पिता परमेश्वर को सत्य चित्त आनंद तो कहते ही हैं, और चित्त आनंद तो आप भी हैं। अगर पूरे भगवान नहीं है तो नज़दीक तो आप हैं ही हैं, क्योंकि आप चिदानंद जी हैं, चित्त आनंद है, और परम पिता परमेश्वर को हम सत्य चित्त आनंद कहते हैं। खैर, ये आपका भी अवभाग्य है कि आपको ऐसे संयोजक आयोजक, आपके गुरु, आपके मार्गदर्शक कि आपको मिले हैं। आप भी कब भाग्यशाली पुण्यशाली नहीं हैं, आप भी बहुत बड़े पुण्यशाली हैं। और इतना बड़ा जो आयोजन करने में आपने घर भी छोड़ा, बार भी छोड़ा, और उसके बावजूद आपने इतना बड़ा ये आयोजन करवाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा ही मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये तो स्पष्ट नज़र आएगा, आप घर जाएंगे तब भी नज़र आएगा कि आप बहुत बड़े पुण्यशाली हैं। कुछ ना कुछ जो आप भी छोड़ के हैं उसमें 2-4% आपको बढ़ोतरी मिलेगी, घटेगी नहीं। परम श्रद्धेय मंच पे विराजमान पूज्य श्री मुनि जी महाराज, जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया है, और परमार्थ आश्रम, आपको पता है परमार्थ का मतलब यह है कि परमार्थ करना, और यहीं से मनुष्य को, जब मनुष्य के हृदय में जब परमार्थ का विराजमान हो जाता है तो स्वयं मनुष्य अपने परमार्थ करता है। परंतु ये परमार्थ की प्रेरणा किसकी कृपा से मिलती है, बोले जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करो गुरु देव की नाही। ये कृपा किसकी है? आज उसके इनके हृदय में परमारथ की ज्योत किसने जगाई है? बोले वो ज्योत जो मुनि जी के हृदय में जगी है वो परमात्मा की कृपा तो है ही है, परंतु सतगुरु की कृपा है। जो इनको ऐसे सतगुरु मिले, जिस व्यक्ति के जीवन में सतगुरु प्राप्त हो जाए उस मनुष्य को कोई भी चीज़ की प्राप्ति कमी नहीं रहती है। संतों का कहना है हनुमान जी के अनेक नाम हैं, अनेकों नामों से पुकारा जाता है, परंतु जिस प्रकार से जो नाम होता है उसी प्रकार से गुण होते हैं। यहाँ पे अभी मैंने सुना मन से कि 25 फुट की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे हुई है, तो शायद ऐसा हमारे सनातन धर्म में और संस्कृति में ऐसा नियम है कि जब मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है तो उनका नामकरण किया जाता है। इतना तो मुझे मालूम नहीं है, फिर भी मैं पूज्य मुनि जी महाराज से जानना चाहूँगा कि जो मूर्ति प्रतिष्ठा हुई है 25 फुट की, उस मूर्ति का क्या नामकरण हुआ है? कुछ ना कुछ नामकरण हुआ होगा, दुख हरण हनुमान, संकट मोचन हनुमान, हैं विजय हनुमान, इस प्रकार से हमारे संतों का मत है। जिस प्रकार से जिस हनुमान का नाम लिया जाता है, मनोकामना हनुमान, उसी प्रकार की उसकी पूजा पद्धति है, उसी प्रकार से उसकी पूजा होती है और मनुष्य के मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी प्रकार से आज जो है यहाँ पे हनुमान जयंती 5 दिन से मनाई जा रही है और अच्छे विद्वान के श्रीमुख से आपने कथा सुनी है, उनके सामने हम लोग क्या कह सकते हैं। और यहाँ इसी के शब्दों के साथ मैं उनके जो है गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पे आप चल रहे हैं, मुनि जी महाराज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हनुमान जयंती इस प्रकार से जिस प्रकार से आप प्रथम बार इस तरह मनाए हैं, मैं गंगा मैया से और आपसे जो है इसी प्रकार के साथ में शुभकामना है आपको, और इसी प्रकार प्रतिवर्ष मनाएं और भक्तों को प्रेरणा मिलती है आपके आने से। आपका मन और आपका हृदय माँ गंगा की तरह पवित्र होता है। हनुमान जी की कथा आप 5 दिन में सुने और आप 5 दिन में अंदर जो है भगवान की कृपा मर्यादा पुष्प राम की कृपा बनी रहे और इसी प्रकार ऐसे सतगुरु का आपको सानिध्य प्राप्त हो और श्री हनुमान जी की कृपा बनी रहे। बोलो गंगा मैया की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। हम हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्र हुए और हनुमान जी के विषय में तो जितना कहा जाए उतना ही कम। हनुमान चालीसा में आता है विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान हैं, बुद्धिमान हैं, गुणी हैं और चतुर भी हैं। कई लोग बुद्धिमान होते हैं लेकिन गुणी नहीं होते, कुछ गुणी होते हैं तो चतुर नहीं होते। चतुर का उदाहरण सुंदरकांड में हनुमान जी का बहुत सुंदर सुंदर है। सबसे पहले मेनाक, ते मेनाक हो श्रमहारी। मेनाक को समुद्र ने कहा कि हनुमान जी को अपने ऊपर विश्राम करने के लिए दीजिए, तो जब विश्राम करने के लिए वो वहाँ गए तो उन्होंने केवल स्पर्श किया मेनाक का। मेनाक है स्वर्ण, सुख और वैभव का आप केवल अपने जीवन में स्पर्श करें। माना हमें हम चीज बंगले गाड़ी सब की आवश्यकता है लेकिन हम उसमें विलीन ना हो जाएं, उसके अंदर हम समा ना जाएं। आवश्यकता तो है टेलीफोन की भी हमको, लेकिन उसमें रमे रहना हमारा लक्ष्य ना बन जाए। दूसरा, सुरसा नाम अहीन की माता। सुरसा जब आई तो उसने 100 योजन का मुख विस्तार किया। हनुमान जी ने यहाँ बहुत अति चतुरता दिखाई। हनुमान जी भी 100 योजन हो सकते थे लेकिन अति लघु रूप, बहुत छोटा सा रूप लेके अंदर किया और बाहर आ गए। यहाँ पर भी बहुत बड़ी चतुरता है उनकी। उन्होंने कहा कि जीवन में अगर किसी भी बड़ी से बड़ी लड़ाई को अगर हमें जीतना है तो हमें सबसे पहले विनम्र बनना चाहिए। हमारे अंदर विनम्रता होगी तो बड़े से बड़े युद्ध को भी हम जीत सकते हैं अपनी विनम्रता से। उसके बाद एक राक्षसी जो छाया में ही अपनी पकड़ बनाकर उसने भी हनुमान जी को पकड़ बनाया, वो पकड़ क्या थी? वहाँ तो वो राक्षसी थी लेकिन हमारे जीवन में भी वो राक्षसी हमें पकड़ कर बैठी है। वो है जीवन में ईर्ष्या द्वेष।
हमारे को हमेशा पकड़ के रखती है और हम सारा जीवन ईर्ष्या द्वेष में एक दूसरे के प्रति गुजार देते हैं। तो हमें वहाँ से भी उनकी बहुत बड़ी चतुरता है और ईर्ष्या को उन्होंने तुरंत समाप्त कर दिया। और तीसरा है लंकनी। लंकनी भी अगर कितने भी दुष्ट की कोई भी रखवाली करे तो उसको भी मार देना चाहिए। उष्ट को भी मुष्टिका का प्रहार किया, माना कि वो लंका की चौकीदारी थी, लेकिन उस चौकीदारी को भी, क्योंकि दुष्ट की चौकीदारी कर रही थी इसलिए उसको मारा। बहुत सारे चतुर हनुमान जी में और भी भक्त के बहुत अच्छे गुण हैं। कुशल नेतृत्व करने की क्षमता है हनुमान जी ने, वो कब करके दिखाई, जब वानरों का समूह जा रहा था तो उनका कुशल नेतृत्व किया। दूसरा जिम्मेवारी, दूसरी उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का एहसास करके माता का दर्शन पाकर प्रभु को खबर दी। और तीसरा आक्रामक वचनबद्धता, आक्रामक वचनबद्धता उन्होंने पूरी करी। जब राम जी लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब लक्ष्मण जी के लिए तुरंत वो अपनी वचनबद्धता को पूर्ण किया। तो एक दास में एक शिष्य में अपने गुरु के प्रति तीनों चीजें होनी चाहिए। एक तो वो कुशल नेतृत्व कर सके, और दूसरा जिम्मेवारी का एहसास हो उसके अंदर, और तीसरा अपने गुरु के प्रति समर्पण। ये तीनों गुण हनुमान जी में थे। इतना ही कहते हुए और चिदानंद जी महाराज, जिन्होंने हमारे जीवन में अविरल गंगा की तरह हमें भी बहाना, हमें भी प्रकाशमान करना सिखाया कि आगे बढ़ो और जीवन में जितने भी आपके संग में आए उन सबको प्रभु की इन नाम चर्चाओं का श्रवण कराओ, सुनो भी और श्रवण भी कराओ। भागवत में श्रवणम कीर्तनम यस्य, श्रवण जो भक्ति है वो सबसे प्रथम है। उन्होंने हमें शिक्षा दी, हमें इतना योग्य बनाया कि अपने साथ बिठाया। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम। भगवान श्री राम जब लंका को विजय करके अयोध्या पधारे थे तो जिस विमान में वो आ रहे थे वो विमान भगवान शिव के पुत्र थे कार्तिक, वो लेकर गए थे इंद्र को साथ में लेकर। लेकिन जैसे ही अपने जन्मभूमि के निकट पहुँचे तो उसके कुछ पहले ही उन्होंने कहा इस विमान को नीचे उतार दिया जाए। तो विभीषण जी ने पूछा था कि भगवान सारा संपूर्ण ब्रह्मांड के आप नायक हैं, सारी पृथ्वी आपकी है, इस अयोध्या का जो क्षेत्र है इसके प्रति विशेष स्नेह आपका क्यों है? हमारे समाज में जब बच्चे का जन्म होता है तो नाभि जो होती है उसकी, उसको छेदन करके एक जगह दबाया जाता है। तो भगवान के शब्द थे कि मेरी नाल यहाँ गड़ी हुई है, इसलिए मेरा इस शरीर का मोह इस अयोध्या में, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। तो संतों की जो महत्ता है, जिस आश्रम जिस अखाड़े से उनकी दीक्षा होती वो उनकी जन्मभूमि मानी जाती है। तो परमार्थ आश्रम से एक महापुरुष इस भारत की भूमि को दिए हैं, जिसमें पूज्य रविशंकर जी महाराज भी यहाँ शिक्षा अध्ययन किए हैं, ऐसे बहुत से संत हैं। तो उस समय हनुमान जी महाराज भी भगवान श्री राम के साथ थे, और नगर का जैसे ही सीमा प्रारंभ होता है हनुमान जी पैदल पीछे पीछे चलते हैं, राम जी के साथ में विभीषण जी, नल जी, नील जितने भी जो लोग थे आगे चलते गए। गोधूली वेला का एक समय हमारे यहाँ मनाया जाता है, संध्या का, जिसको हम समय कहते हैं। गोधूली वेला का समय था तो हमारे यहाँ अक्सर आज भी गाँव में एक परम्परा है कि गाँव के किनारे पर छोटे जो बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, छोटी जो कन्याएं हैं, वो कहीं भी बैठकर सोच क्रिया करते हैं। तो एक छोटा बच्चा 5 वर्ष की आयु थी, वो बिल्कुल नग्न शरीर, और कार्तिक मास में जैसे दीपावली हम मनाते हैं, भगवान श्री राम का आगमन हुआ अयोध्या में, उस समय ऐसा मौसम रहता है ना, ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है। वो बच्चा एक किनारे पर बैठे अपनी सोच क्रिया से निवृत्त हो रहा था, और ऐसे गर्दन हिलाते हिलाते राम 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 राम। हनुमान जी ने देखा बड़ा मूर्ख है, इतना अपवित्र कर्म कर रहा है और भगवान का नाम ले रहा। हनुमान जी ने उसको डांटा। थोड़ा दूर गए हनुमान जी तो उन्होंने जीभ निकाल कर, बच्चे का एक स्वभाव होता है, बंदर बंदर कहकर उनको चिढ़ाया। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, पुनः वापिस आए और उन्होंने एक आँख, जो भगवान शिव को प्रिय है, आँख के जो झाड़ होते हैं उसकी एक टहनी तोड़ी और 5-7 उस बच्चे को लगा दिया। रोने लग गया। तब तक भगवान थोड़े आगे चले गए, हनुमान जी अपनी वेग के द्वारा पुनः भगवान के साथ और अयोध्या
नगरी में जब भगवान का आगमन हुआ, नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। तो हनुमान जी क्योंकि एक भक्त हैं भगवान श्री राम के, उनकी एक ड्यूटी थी। आज भी हमारे यहाँ गुरु शिष्य में एक परंपरा है, हमारे घरों में भी एक परंपरा है कि संध्या के बाद भोजन से निवृत्ति होती है, दैनिक दिनचर्या से हम जब शयन कक्ष में जाते हैं तो हम अपने बुजुर्गों के चरण दबाते हैं, अपने माता के, पिता के, अपने गुरु के, अपने से बड़ों के लोगों के। तो हनुमान जी का ये कर्तव्य था, नित्य प्रति भगवान श्री राम के चरण दबाते थे। तो वो भगवान की सेवा में पहुँचे तो भगवान ने कहा, हनुमान आज मेरे पैर नहीं दुख रहे, मेरी कमर ज़्यादा दुख रही है। तो भगवान उल्टे हो गए। हनुमान जी ने जैसे ही कमर में हाथ लगाया और कमर के ऊपर बड़े बड़े निशान पड़े हुए। हनुमान जी ने देखा, प्रभु ये क्या? उसने कहा ये भी कुछ है कि मेरे रहते हुए संसार के सबसे बड़े वीर जिसको कहा जाए, सबसे भगवान शिव का जितना बल था वो सारा बल हनुमान जी ही थे। भगवान शिव की जो शक्ति थी उसका संपूर्ण स्वरूप हनुमान जी थे। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं साक्षात रुद्र का अवतार, आपका सेवक, मेरे रहते हुए संसार में ऐसा कौन वीर पैदा हो गया जिसने आपके शरीर पर इस प्रकार लाठियों से प्रहार कर दिया? तो हनुमान जी की ये बातें सुनकर राम जी मुस्कुराते रहे। उसने कहा, नहीं प्रभु, ये इसका कारण आपको बताना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, ये सब तुम्हारी करतूत है। हनुमान मेरी करतूत है? बोले हाँ। बोले वो जो बच्चा 5 वर्ष जिसकी आयु थी वो मेरा नाम ले रहा था लेकिन शोच क्रिया में लगा हुआ था और तुमने मूर्खतावश, अज्ञानतावश उसको आग की लकड़ी से तुमने प्रताड़ित किया, वो मेरे नाम के ऊपर तुमने किया, इसलिए जितना चोट तुमने उसको पहुँचा वो सारी चोट मेरी कमर पे आ गई। इसलिए हनुमान आज के जो एक अंश तुम्हारे अंदर अज्ञानता का था उसे मैं आज नष्ट कर रहा हूँ, इसलिए आज से तुम संपूर्ण भक्ति का जो एक रस है वो सारा तुम्हारे पास रहेगा। तो कहते हैं भगवान के शरीर से बड़ा उसका नाम है। तो भगवान श्री राम का नाम का जो उच्चारण हनुमान जी ने संपूर्ण विश्व में उसका प्रकाश फैलाया है, ऐसे उस महान भक्त को उसके जन्म दिवस पर मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की ओर से उस महान विभूति के चरणों में अपना नमन करते हुए और इस सभा में जितने भी संत आए हैं पुणे उन सब के चरणों में अपना ओम नमो नारायण कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जितने भक्त आए हैं वो माँ भगवती गंगा, पतित पावनी, भगवान श्री नीलकंठ और दक्षेश्वर के मध्य ये ऋषिकेश और हरिद्वार बसा हुआ है और मैं उसी संस्था का एक सेवक हूं। आप सबका पुणे इस देवभूमि पर आने के लिए पुणे धन्यवाद, साधुवाद, जय ओम नमो नारायण। हिमालय से गंगोत्री से निकली हुई भगवती गंगा अविरल रूप से समुद्र में मिलती हैं। गंगा जी में अनेक नदियाँ मिलती हैं लेकिन उनका नामो निशान मिट जाता है। क्या नंदा, क्या अलकनंदा, क्या यमुना, क्या सरयू, सबका नाम मिट जाता है लेकिन गंगा का नाम नहीं मिटता। क्यों? क्योंकि गंगा जी का संबंध भगवान श्री हरि से भी है और भगवान शिव से भी है। भगवान शिव और भगवान श्री हरि से संबंध जिन गंगा जी का है वो अमर होती हुई अविरल अविच्छिन्न धारा में प्रवाहित होती हुई समुद्र में गंगा सागर में मिलती हैं। उसी प्रकार से दोनों का संबंध रखने वाली माँ भगवती से जिनका संबंध हो जाता है वे भी भगवान श्री हरि को निश्चित प्राप्त कर लेते हैं, किसी प्रकार का विघ्न जीवन में नहीं आने देती। माँ भगवती गंगा के पावन तट में श्री हनुमत कथा का पावन लाभ संतजन भक्तजन तो पूज्य भाई श्री के द्वारा प्राप्त कर ही रहे थे लेकिन श्री हनुमंत लाल जी महाराज भी इस पावन कथा का उपस्थित होकर के लाभ ले रहे थे। चिरंजीवियों में श्री हनुमंत लाल जी भी आते हैं। जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री अवध की लीलाओं को पूर्ण कर दिव्य विमान पर बैठकर अपने साकेत लोक जाने लगे, सभी को भगवान ने अपने विमान में विराजमान करा लिया। श्री हनुमंत लाल जी से कहा, आप क्यों खड़े हो, आप भी आ जाओ विमान में। श्री हनुमंत लाल जी ने कहा, आपके साकेत लोक में आपका उच्छिष्ट प्रसाद मिलेगा। प्रभु राम ने कहा, वहाँ तो भूख लगती ही नहीं क्योंकि मुक्त होने पर अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोक अपिपास अजिघत्साह सत्य काम सत्य संकल्प, ये जीव के जो गुण हैं उद्बुद्ध हो जाते हैं, इसलिए वहाँ भूख लगती ही नहीं, इसलिए भोग लगता ही नहीं, प्रसाद नहीं मिलेगा। श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा, फिर मेरा ये शरीर आपके साथ चल सकता है?
प्रभु राम ने कहा नहीं, ये शरीर यही मिलता है, यही त्यागना पड़ता है। प्रभु राम ने पूछा हनुमंत लाल जी से, इस शरीर के प्रति इतना व्यामोह क्यों है? तो हनुमंत लाल जी महाराज ने बताया कि जब माँ जानकी का पता लगाकर संदेश आपको प्रदान किया तो आप इतने गदगद प्रसन्न हुए और खोजने लगे कि हनुमंत लाल के लिए कौन सा उपहार दूं, तो प्रभु आपने एस सर्वस्व भूतस्तु परिस्वंगो हनुमतः, आपने मुझ दास को हनुमंत लाल को अपने गले से लगा लिया और कहा हे हनुमंत लाल, मेरे मर्यादा का सर्वस्व मैं तुम्हें समर्पण कर रहा हूँ। तो जिस मेरे शरीर का स्पर्श आपके शरीर से प्राप्त हुआ है उस शरीर को मैं त्यागना नहीं चाहता हूँ। भावो नान्यत्र गच्छति, मैं आपके साकेत लोक के यहीं से प्रणाम करता हूँ, जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ वहाँ मैं आपकी कथा श्रवण करूँगा। इसलिए हनुमंत लाल जी महाराज भी इस कथा का श्रवण करते थे। सुंदर कांड, बड़ा अनुपम कांड है बंधुओं। नष्ट द्रव्यस्य प्राप्तिर ही सुंदरः परिकीर्तितः, खोई हुई वस्तु प्राप्त हो जाए उसी को सुंदर कहते हैं। रामायण में भगवती जानकी खोई हुई थी और इस कांड में पता चलता है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ता है। दूसरी बात, भगवान के भक्त का गुणगान इस कांड में किया गया है। हनुमंत लाल जी के बल, पराक्रम, विवेक, बुद्धि, चातुर्य आदि का पावन अनुभव इसमें किया गया, तो भक्त का एक कांड है, इसलिए भक्त का चरित्र इसमें वर्णित है। भक्त के बहुमान को भी भगवान बहुमान मानते हैं, इसलिए भी इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया। और वास्तव में तो सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर कांड में आप देखें तो माँ भगवती जानकी का कितना दिव्य उदात्त विलक्षण चरित्र दिखाई देता है। माँ भगवती जनक नंदनी जानकी माँ ने हनुमंत लाल जी से राक्षसियों की रक्षा करती हैं। इतना ही नहीं, रावण जब बड़ी दुष्टता करने लगा तो रावण से शिक्षा देते हुए कहती हैं कि लगता है तुम्हारे लंका नगरी में कोई साधु व्यक्ति नहीं है। यही संतो नवासंती सतो वा नानुवर्त से तथा ही विपरीताते बुद्धिराचार वर्जिता। यहाँ लंका नगरी में कोई साधु व्यक्ति नहीं है, और है भी तो उससे तेरा संबंध नहीं है, संबंध भी है तो तू अपने अभिमान के कारण उसका उपदेश नहीं ग्रहण कर रहा, इसलिए तेरा इतना नैतिक पतन हुआ है। माँ भगवती जानकी को जब बहुत परेशान किया रावण ने, तो एक दिन यहाँ तक शिक्षा देती है, तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम इच्छसी। दास बनने के लिए नहीं प्रार्थना आज्ञा करती, बल्कि माँ जानकी कहती है मित्र बना ले प्रभु राम को तो तेरा कल्याण हो जाए। इतना ही नहीं, जब बहुत क्लेश देने लगा रावण जानकी जी को, तो एक दिन जानकी जी कहती हैं यदि प्रभु राम को मैं वचन नहीं दी होती तो तुझे झाड़ू की तरह जलाकर भस्म कर देती। पीछे की घटना स्मरण करती हुई जानकी माँ कहती हैं श्री अवध में जब मैं थी, एक दिन झाड़ू की सींक लग गई, जानकी माँ के चरण में रक्त निकलने लगा। माँ जानकी ने कहा भस्म हो जा, झाड़ू भस्म हो गया। उधर कौशल्या जी मौन बैठी रहीं, प्रभु राम प्रणाम करने के लिए आए, माँ ने आशीष नहीं दिया, क्या कोई अपराध हुआ मुझसे, भूल चूक हुई? माँ कौशल्या ने कहा तेरे से तो नहीं लेकिन बहू रानी से भूल हुई। क्या बोले, झाड़ू थोड़ा लग गया और उसको कह दिया जल जा, तो जल गया झाड़ू। मेरे चरण दबाती है जानकी।